ये कोई छोटी बात है का? ये बहुत बड़ी बात है रूपा। दोस्तों आप लोगों को 1982 की सुपरहिट फिल्म नदिया के पार तो याद ही होगा, और ये फिल्म सुपरहिट रही इसके साथ ही इस फिल्म के सभी गाने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। और इस फिल्म के हीरो सचिन पिलगांवकर यानी चंदन तो आप लोगों को याद ही होगा। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को इस फिल्म में भैया का किरदार निभाने वाले यानी चंदन के भैया का किरदार निभाने वाले ओमकार तो याद ही होगा। और दोस्तों क्या आप लोगों को पता है ओमकार का किरदार किस अभिनेता ने निभाया था? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, नंदिया के पार फिल्म में चंदन के भैया का किरदार निभाया था अभिनेता इंदर ठाकुर। ये देखिए जिमी ने क्या किया, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। और 1982 में आई राज श्रीकृत प्रोडक्शंस की इस फिल्म ने बहुत ही ज़्यादा धमाल मचाया, और इंदर ठाकुर का करियर भी इस फिल्म की वजह से काफ़ी ऊपर तक चढ़ा। लेकिन किस्मत का खेल ही कहें कि शानदार कलाकार सिनेमा के दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए ज़्यादा दिनों तक हमारे साथ न रह सका। एक दर्दनाक हवाई हादसे में इंदर ठाकुर की मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, और यह बात बहुत ही कम लोगों को पता है, भारतीय सिनेमा की शुरुआत के वर्षों से लेकर बोलती फिल्मों के दौर में एक चरित्र अभिनेता बड़े चर्चित रहे हैं। नाम था हीरालाल ठाकुर, अक्सर वे फिल्मों में विलन बना करते थे। और इन्हीं हीरालाल ठाकुर के घर 24 फरवरी 1950 को इंदर ठाकुर का जन्म हुआ था। एक पहिया की गाड़ी खिसट रही थी किसी तरह, और पिता एक्टर थे, सो बच्चे की चाहत भी थी कि रूपहलू पर्दे तक पहुँचे और बड़े हुए। पिता के सामने इच्छा जाहिर की तो सहमति तो मिली, लेकिन हीरालाल ठाकुर ने साफ कह दिया, तुझे जो कुछ भी करना है खुद के दम पर करना होगा, मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद नहीं करूँगा। और दोस्तों बात करें फिल्मी करियर की, तो बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता इंदर ठाकुर साहब का फिल्मी करियर काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा रहा। और इनकी पहली फिल्म के बारे में बात करें तो इनकी पहली फिल्म है चटपटी, और इस फिल्म में इंदर ठाकुर ने दमदार विलन का रोल अदा किया था जिसे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। और इंदर ठाकुर की जिस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड में नाम शोहरत दिया वो फिल्म थी नदिया के पार, और यह फिल्म 1982 में रिलीज़ हुई थी। और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया, और राजश्री बैनर के तले बनी इस भोजपुरी फिल्म में इंदर ठाकुर के साथ सचिन पिलगांवकर, साधना सिंह और सविता बजाज भी थी। फिल्म में ओमकार का किरदार निभाकर इंदर ठाकुर काफ़ी मशहूर हुए, और यह फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। इसके बाद फिल्मों की लाइन लग गई, और नंदिया के पार के बाद उन्होंने तुलसी और हीरो जैसी कुछ बढ़िया फिल्मों में शानदार अभिनय किया। हमारे दोस्त के परेशानी का कारण, और अपनी जिंदादिली के लिए पहचाने जाने वाले इंदर ठाकुर बेहद मेहनती कलाकार थे। काम करने की चाहत इतनी कि कहा करते थे, एक ज़िंदगी मेरे लिए बहुत कम है, मुझे कम से कम 2-4 ज़िंदगी मिलना चाहिए ताकि और काम कर सकूं। काम करने की यही ललक उन्हें फिल्म लाइन के बाद एयर इंडिया की तरफ ले गई, जहां वे फ्लाइट पर्सर के तौर पर काम करने लगे। साल 1985 में फ्लाइट पर्सर की अपनी इसी जॉब के दौरान कनाडा जाते वक्त उन्होंने पत्नी प्रिया और बेटे विशाल को साथ में रख लिया, लेकिन लौटते समय उन्हें शायद ये भनक भी न थी कि यह उनकी आखिरी फ्लाइट होगी। और 23 जून 1985 को एयर इंडिया की फ्लाइट कनिष्क 1982 क्रैश हो गई, और इस भीड़ हादसे में इंदर ठाकुर की मौत हो गई। आज हम तुम्हें चूड़ियां पहनावे से गा देंगे और प्यार में चूड़ियां कैसे टूटती हैं। इस भीषण हादसे में इंदर ठाकुर की मौत हो गई, और हवा के बीच कनिष्क विमान में धमाके की वजह से यह हादसा हुआ था, जिसमें इंदर, उनकी गर्भवती पत्नी और बेटे समेत सभी 329 यात्रियों की जान चली गई। भले ही आज इंदर ठाकुर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो अपनी अदाकारी पेश की है जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को नंदिया के पार में ओमकार का किरदार जो है वो कैसा लगता है, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूँ तो आप लोगों ने इंदर ठाकुर के इस किरदार को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। तो दोस्तों और ऐसे ही जानकारी के लिए, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।